दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं मौत कब आती है किसी को पता नहीं चलता, पर ये एक ऐसा सच है जिसे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मौत कब और कैसे होगा। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु के बारे में बात करता है और उसके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। जो जीव दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक साफ सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हालांकि इंसान यह जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिसे इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इतना ही नहीं, मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। किसकी मृत्यु कब होनी है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब जानते हुए भी हम इस तरफ स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा माना जाता है कि जब किसी आत्मा के लिए मनुष्य योनि तय की जाती है तो उसका जन्म ब्रह्म मृत्यु पहले ही निर्धारित हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को महाकाल भी कहा गया है। महाकाल का अर्थ है काल यानी मृत्यु भी जिसके अधीन हो। भगवान शिव जन्म मृत्यु से मुक्त है। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान शंकर को अनादि और अजन्मा बताया गया है। भगवान शंकर से संबंधित अनेक धर्म ग्रंथ के प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण उन सभी में सबसे अधिक प्रमाणित माना गया है। इस ग्रंथ में भगवान शिव से संबंधित अनेक रहस्यमय बातें बताई गई है। इसके अलावा इस ग्रंथ में ऐसी अनेक बातें लिखी है जो आम जन नहीं जानते। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु के संबंध में कुछ विशेष संकेत बताए हैं। इन संकेतों को समझकर यह जानना जा सकता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु कितने समय हो सकती है। यह संकेत इस तरह है। पहला संकेत, शिव पुराण के अनुसार जिस मनुष्य को ग्रहों के दर्शन होने पर भी अर्थात सूर्य और चंद्रमा की दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन में बेचैनी छाई हो, तो उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने में हो जाता है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति को अचानक नीली मक्खियां आकर घेर ले उसकी आयु 1 महीने में शेष जान लेनी चाहिए। तीसरा संकेत, शिव पुराण में भगवान शिव ने बताया है कि जिस व्यक्ति के सिर पर गिद्ध कौवा अथवा कबूतर आकर बैठ जाए तो वह 1 महीने के भीतर ही मर जाता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। चौथा संकेत, यदि अचानक किसी व्यक्ति का शरीर सफेद या पीला पड़ जाए और लाल निशान दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगा। जिस मनुष्य का मुंह कान आंख और जीव ठीक से काम ना करे शिव पुराण के अनुसार उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। पांचवा संकेत, जिस मनुष्य को चंद्रमा और सूर्य के आसपास का चमकीला घेरा काला या लाल दिखाई दे तो उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाता है, और उनकी तारा और चंद्रमा जिसे दिखाई ना दे अथवा जिसे अन्य तारे भी ठीक से ना दिखाई दे ऐसे मनुष्य की मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाती है। छठा संकेत, त्रिदोष जिसमें वात पित्त और कफ में जिसमें नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। यदि किसी व्यक्ति के मुंह पर कंठ और बार बार सूखने लगे तो यह जान लेना चाहिए कि 6 महीने के अंदर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। सातवां संकेत, जब किसी व्यक्ति को जल तेल घी या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखे तो समझना चाहिए कि उसकी आयु 6 माह से अधिक नहीं है। जब कोई अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपनी को छाया से रहित पाए तो ऐसा मनुष्य 1 महीने भी जीवित नहीं रहता है। आठवां संकेत, जब किसी मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कते ही रहे
तब ऐसा जानना चाहिए कि उसका जीवन एक माही शीश है। जब सारे अंगों में अंगराई आने लगे और तारों सूख जाए, तब वह मनुष्य एक माह तक ही जीवित रहता है। नवा संकेत, जिस मनुष्य को जो तारा अथवा सूर्यमंडल का भी ठीक से दर्शन ना हो, रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्कापात होता दिखाई दे और गिद्ध और कौवे घेरे रहें, तो उसकी आयु 6 महीने से अधिक नहीं होती, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। 10वां संकेत, जो मनुष्य अचानक सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रहसित देखता है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य काले दिखाई देने लगते हैं और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती है, उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाता है। 11वां संकेत, शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिरण के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाता है। जिसे आकाश में सप्तऋषि तारे ना दिखाई दे, उस मनुष्य की आयु भी 6 महीने ही से समझनी चाहिए। 12वां संकेत, शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश ठीक से दिखाई ना दे और चारों ओर काला अंधकार दिखाई दे, तो उसका जीवन भी 6 माह के भीतर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह मृत्यु के 12 संकेत जो शिव पुराण में लिखे गए हैं। शिव के पार्वती को दिए गए वक्तव्य के अलावा पुराण भी मृत्यु के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। यह भी सत्य है कि पुरातन काल से मानव और राक्षसों ने भगवान को खुश करके मृत्यु को और विजय प्राप्त करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन यह वक्त करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि धरती पर जीवन की मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। इसके अलावा मनुष्य के हाथ की रेखाएं भी मृत्यु के बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर मनुष्य के हाथ में दी गई जीवन रेखा छोटी है, तो यह अल्प आयु की ओर इशारा करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु का संबंध मनुष्य के शरीर से है, उसकी आत्मा से नहीं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।